आया, चार साल में मिलेगा? आया बताइए ना, पूछिए मोदी जी से। आया तो वह ना मोदी जी से, 15 लाख की बेच नहीं, ये डमरूबाज है, ठीक है, ये डमरूबाज है। मोदी जी गलत बात करते हैं, ऐसे देखिए काला धन ले आएंगे, सुनिए। आया नहीं काला धन, कहाँ आया, नहीं तो काला धन बढ़ गया, डेली डेली जो ईडी काला धन बढ़ गया, ईडी जा रहा है, नेता लोग के जा रहा है, ईडी सीबीआई से तो चमचम बन गया है, बीजेपी और आरएसएस का ही दलाल बन गया है। युवा जो चार साल का नौकरी करके गार्ड के लिए बना है जी, एक नियमन सैनिक बनने के लिए 8 से 10 साल लग जाता है, कहीं उसको दम तपिश में रहना है और कहीं उसको दम दम ठंडी में रहना है, माइनस के डिग्री में रहना है। पटना के जेपी गुलंबर के पास है और आज महागठबंधन के द्वारा प्रदर्शन निकाला गया है। प्रदर्शन इसलिए निकाला गया है कि सरकार की तरफ से जो योजना आया है अग्निवीर का योजना, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले नौकरी नौकरी चिल्ला रहे थे, लेकिन जब सरकार नौकरी देती है उसके बावजूद इन लोग इसका विरोध करते हैं। राजद के सिपाही हैं, हरा झंडा देखकर समझ में आ गया कि लालू और राजद के सिपाही हैं और बोलने के लिए कब से बेचैन है। बोलने के लिए बेचैन क्यों है भैया, पहले अपना परिचय दीजिए। ओम प्रकाश चौहान नाम पड़ गया मेरा, प्रदेश सचिव है छात्र आरजेडी के। चलिए, राजद के छात्र नेता हैं, ठीक है, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन अपना मांग के लिए कर रहे हैं। कैसा मांग? अग्निवीर जो आया है तो मिले गया क्या? अग्निवीर जो आया तो उससे क्या लाभ होगा ये पहले बताइए तो, कुछ मिलेगा उससे? 4 साल में क्या होगा? 4 साल में नौकरी मिल रहा है, 11 लाख 12 लाख पैसों मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 15 लाख आया 4 साल में मिलेगा? आया बताइए ना, पूछिए मोदी जी से। आया तो वह ना मोदी जी से, 15 लाख की बेच नहीं, ये डमरूबाज है, ठीक है, ये डमरूबाज है। मोदी जी गलत बात करते हैं, ऐसे देखिए काला धन ले आएंगे, सुनिए। आया नहीं काला धन, कहाँ आया, नहीं तो काला धन बढ़ गया, डेली डेली जो ईडी काला धन बढ़ गया, ईडी जा रहा है, नेता लोग के जा रहा है, ईडी सीबीआई से तो चमचम बन गया है, बीजेपी और आरएसएस का ही दलाल बन गया है। कहता है कि यही मारो मरता है, इसको ही नेता को डिस्टर्ब करो। अरे खाली पैसा विपक्ष के नेता भी है, जब तक सरकार में तुम रहो तो छापा मरवाओ, और सरकार जब जाएगा तो विदाई जब होगा, युवा जब जितना युवा देख रहे हैं युवा इतना ही नहीं है, देश के तमाम उतने युवा हैं, जिसमें सारे युवाओं बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं दिया ये ढकुसला के लिए, 4 साल की नौकरी के लिए। बताइए 4 साल के बाद युवा क्या करेगा, आप भी बताइए 4 साल के बाद युवा तो क्या करेगा? कि हमारे भाजपा कार्यालय में गार्ड का नौकरी करेंगे और क्या चाहिए? अरे ये सब करा है, बताइए युवा जो 4 साल का नौकरी करके गार्ड के लिए बना है जी, एक नियमन सैनिक बनने के लिए 8 से 10 साल लग जाता है, कहीं उसको दम तपिश में रहना है और कहीं उसको दम ठंडी में रहना है, माइनस के डिग्री में रहना है, और कहीं इतना तपिश में रहना है, कभी जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहां रहना है। बढ़िया तैयारी करिए, 25% वाले में हो जाएगा आपका। 25% वाले में 25% क्या है? लोभावन बुद्धि है, लोभावन बुद्धि क्या है बबुआ, तार काम हो जाई, हाई हो जाई, लोभावन बुद्धि है, वो कुछ नहीं है, ढकुसला है। गजब बात करते हैं आप, कल नौकरी नौकरी चिल्ला रहे थे, जब दे दिए तब विरोध करते हैं, ट्रेन जलाते हैं आप लोग, ट्रेन जलाते हैं, क्या तो रहे मोदी जी। एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताते हैं, देखिए युवा, युवा को सिर्फ जोश होता है, और जोश में सुनिए, जोश में सोचने का जब बुद्धि खो देता है, ठीक है, जब जोश आता है, जब युवा को आप बार बार डिस्टर्ब कीजिएगा, बार बार डिस्टर्ब कीजिएगा तो ट्रेन लहक गई, वो लोग तो गलत बात है, संवैधानिक रूप से विरोध करना चाहिए, ये बात को हम बात कहते हैं, युवा को सोचना चाहिए। अच्छा, नेता लोग के जो बड़े नेता लोग हैं, इनका बेटा एसी में रहता है, हम लोग गरीब घर का, हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, हम 4 साल के लिए क्या करेंगे नौकरी? नेता के बनाता है, नेता के बनाता है, नेता जो आप ना बनाते हैं जी, बनाने का समझ में नहीं आता है, आपकी विदाई हो जाएगा। हम लोग का युवा के यही एक मांग है, अग्निवीर योजना वापस लीजिए, क्योंकि हम 4 साल क्या करेंगे, 4 साल नौकरी करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम पैसा मिल रहा है तो ये पैसा तो हम क्या बिजनेस करेंगे, यही इसलिए हमने आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं देश के सेवा के लिए, इसके देश के सेवा के लिए हम लोग मर मिटेंगे हम लोग। तो बीजेपी के कुछ नेता कर रहे हैं कि जब देश का सेवा करना है तो 4 साल के लिए करिए, काहे ला इतना लंबा नौकरी? 4 साल में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग NCC हम करते हैं, NCC 3 साल लग जाता है सी सर्टिफिकेट लेने में, अरे ये क्या नौकरी 4 साल के लिए, क्या फायदा इसमें? अरे अग्निवीर योजना वापस लीजिए या कुछ साल बढ़ाइए, मोदी सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं हम,
रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ अग्निवीर नेता के रिक्वेस्ट ना भेजेला वो सब नेता है। अरे 56 इंच वाला नेता रिक्वेस्ट नहीं करिएगा तो हमसे देश बेचने वाला नेता है बता रहे हैं। गलत कह रहे हैं, कहे नहीं कर रहे, गलत कह रहे। बताइए तो पहले देश बेचने का पहले बात कहाँ से उठता है? अच्छा जितना बड़ा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो सब प्राइवेट कर रहा है, रेलवे भी प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट भी प्राइवेट हो गया, आखिर कहे तो कह रहे हैं कुछ दिन में भारत तो प्राइवेट हो जाएगा। और जो मोदी जी का प्लान है ना देखिएगा एक समय आप भी देखिएगा खुद आएगा। क्या प्लान? जब अभी छात्र का अभी भविष्य बिगड़ रहा है। प्लान क्या है? प्लान उसका है कि देश को बर्बाद करना, और क्या प्लान है? देश बर्बाद करने के चक्कर में अब बिहार को तो सबसे पिछड़ा मानता है, इसलिए ना भाई मारा लड़का इस रोड पर उतरा है, कहाँ उतरा है पहले देखिए तो। हम लोग तो बरसात में कब से बरसात में भींग भींग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे, गलत काम नहीं कर रहे हम लोग। सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं, उठ गर्मी हो बरसात हो हम लोग दौड़ते हैं रोड पर जाकर, अपन मेहनत करते हैं, घर द्वार का पैसा भी लगाते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं। ये बताई जाए हम बहुत दूर से हम लोग आए, क्यों आए हैं? अपना हक के लिए आए हैं। राजद का झंडो ढोते हैं। हाँ झोड़ बिल्कुल हम है ही, हम तो है ही। क्या है? आरजेडी के लवर है हम लोग। आरजेडी लवर है? हाँ। लालू यादव के लवर है? हाँ, क्यों नहीं है? लालू यादव तो घोटे घोटे जैसवी के लवर है, केपी गुलंबर के पास है, राजद के सिपाही है, राजद के कार्यकर्ता है। बरसात में तबीयत खराब हो जाएगा आप लोग का, काहे प्रदर्शन कर? जब युवा का जिंदगी खराब हो रहा है तो हम तबियत खराब होने का सोचे, ये कैसे होगा? कैसे जिंदगी खराब हो रहा है? ये जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है ये तो सभी युवाओं के साथ जिंदगी के साथ का साथ सबका विकास तानाशाह मत कहिए। सबका साथ और सबका सत्यानाश, सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहा है ये। ये केवल विशेष समुदाय विशेष संगठन के लिए ये अपना योजना ला रहा है। अच्छा। ये कह रहे हैं कि इस स्कीम के वजह से शादी नहीं हो पाएगा, पूछिए कैसे? कैसे शादी? नीतीश सरकार जो है शादी का उम्र क्या दिया है? अब पहले 18 से 21 था, अभी क्या है 21 से 24 कर दिया है, ठीक है? और अभी ये स्कीम कितना की 17.5 से 21 किया, दो साल बढ़ाया मान लीजिए तो हो गया 23 साल, ठीक है? तो मान लीजिए 17.5 से मान लीजिए 21 ही अगर करते हैं, आर्मी में जाते हैं देश का सेवा करने के लिए, उसके बाद तो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद तो अडानी अंबानी के क्या कहते हैं गार्ड में रहेंगे, कौन अपना बेटी देगा गार्ड वाले को, कौन देगा ये करने के लिए? बात तो सही है भैया, कौन अपना बेटी देगा? देखिए जेपी गुलंबर के पास है हम लोग, और राजद के साथ साथ कई गठबंधन के जो युवा नेता है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो RYA है, आईसा हो या राजद हो, आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं कि जब तक ये स्कीम वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग सड़क पर बने रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे पर साथ देने वाले केशव हैं और मैं हूँ अमान, धन्यवाद।